नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम जो अभी बात करने वाले हैं MCQ सीरीज़ पे बात करने वाले हैं, आई मीन ये सुपर 90 जो हम अब हमारी सीरीज अभी चलाई जा रही है MCQ से रिलेटेड, उसी का ये हिस्ट्री है। और हिस्ट्री पे जो हम बात करने वाले हैं, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आपने भी हिस्ट्री के भी सेशंस देखे होंगे, आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई होगी, और आपने हिस्ट्री के साथ ही साथ में इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ साथ आपने पॉलिटी के भी क्लासेस को देखा होगा। ये प्रॉपर पूरी एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको 30 दिनों तक 90 क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और उन 90 क्लासेस में पूरा का पूरा आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने देखी होंगी तो पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में आपको जो पहला सीरीज मिला होगा उसमें आपको महत्वपूर्ण अनुसूचियां एवं संविधान संशोधन के टॉपिक्स मिले होंगे। अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूं तो सेकंड क्लास में आपको स्थानीय प्रशासन की क्लासेस मिली होंगी। इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इकोनॉमी में मुद्रा स्फीति आपको एक टॉपिक मिला होगा। इसी के साथ में आपको नेशनल इनकम का एक टॉपिक मिला है। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर में आपको एक मंदिर स्थापत्य की क्लासेस मिली हैं और एक क्लासेस आपको मूर्ति स्थापत्य कला की मिल गई हैं। सो ये जो सारे अभी टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल रही हैं उन्हीं सीरीज में जो आज आपको मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यह हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में जो हम MCQs देखने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आज के सेशन पे। सो स्टार्ट करते हैं, और आपके सामने रहा आज का ये पहला क्वेश्चन। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य युद्ध हुआ है, मतलब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध निम्नलिखित में से कौन है। एक है आपका ऑप्शन ए देवरा का युद्ध, ये है वंडीवास युद्ध, प्लासी और मनिहारी का युद्ध, ठीक है। देखिए, अगर वेदरा युद्ध की मैं बात करूं तो जो वेदरा युद्ध आपका लड़ा गया ये 1759 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया ये भी हम अभी देख लेंगे। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं वांडीवास युद्ध की, देखिए अंग्रेजों ने जब भारत में अपना कदम जमाना स्टार्ट किया तो कदम जमाने के उसी सिलसिले में अंग्रेजों ने बहुत सारे युद्ध किए, और अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े हैं वो युद्ध आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उन्हीं सारे युद्धों में से कुछ युद्ध आपके सामने हैं। अगर मैं बात करता हूँ वेदरा, इसके साथ में वंडीवास, तो ये वंडीवास युद्ध है 1960 में। अगर मैं प्लासी की बात करूँ तो प्लासी आप सभी को पता है 1757 में। और अगर मनिहारी का मैं बात करूँ तो मनिहारी का युद्ध 1756 में लड़ा गया है, ठीक। सो अभी आपसे जो पूछा जा रहा है, देखिए सिर्फ सिराजुद्दौला क्लाइव के बीच युद्ध को जान लेना ही आपका मकसद नहीं है। इन ऑप्शंस को अगर आप गौर करेंगे तो ये ऑप्शंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। सो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित क्वेश्चंस को या निम्नलिखित प्रश्नों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, चाहे वो घटते क्रम में कहा जाए या बढ़ते क्रम में कहा जाए, तो आपके सामने ये डेटा मैंने लिखा है, इसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जो आपका सही क्रम होगा इसको सीक्वेंस में लगाने का, पहले है मनिहारी, फिर है प्लासी, उसके बाद में वेदरा, उसके बाद में वंडीवास का युद्ध है, ठीक। तो इसे आप सीक्वेंस में लगाएंगे। अगर मैं इनके युद्ध की बात करूँ, ठीक है, थोड़ा गौर करिएगा, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। अगर वेदरा का युद्ध की मैं बात करूं तो वेदरा का युद्ध जब 1759 में लड़ा गया तो ये अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया है, ठीक। किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के साथ लड़ा गया। अगर मैं बात करूं प्लासी की तो प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव यानी अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। और अगर मैं मनिहारी की बात करूं तो मनिहारी का युद्ध सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला
सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको नाम मिलेगा ये शौकत का मिलेगा। शौकत कौन था? शौकत अगर आप थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि नवाब सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो वो इसी युद्ध के माध्यम से बनता है। अगर मैं बात करूं मनिहारी का युद्ध, तो मनिहारी के युद्ध में जब नवाब सिराजुद्दौला शौकत के साथ युद्ध लड़ता है तो शौकत को युद्ध में परास्त करने के बाद में नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। शौकत कौन था? अगर मैं शौकत की बात करूं तो शौकत नवाब सिराजुद्दौला का चचेरा भाई था या मौसेरा भाई, आप अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो कजिन ब्रदर ही आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये था 1756 में शौकत था। शौकत के बाद नवाब सिराजुद्दौला मैं बात करूं तो बंगाल की गद्दी पे बैठते हैं, ठीक। थोड़ा सा अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे जो युद्ध का परिणाम रहा है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है, इसका मतलब है डाउन, मतलब डच हारे हैं, अंग्रेज यहाँ जीते हैं। अगर एक बार मैं कुछ ऐसा कर दूं, जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ अंग्रेज जीते हैं, यहाँ भी अंग्रेज जीते हैं, यहाँ नवाब सिराजुद्दौला जीतता है और यहाँ रॉबर्ट क्लाइव जीतते हैं, ठीक। अगर मैं प्लासी की युद्ध की थोड़ी सी बात करूं या प्लासी के युद्ध पे थोड़ा नजर डालूं तो आपका जो राइट ऑप्शन है, आपका राइट ऑप्शन है सी, प्लासी का युद्ध, ठीक। प्लासी के युद्ध पे अगर मैं थोड़ा गौर करूं या आप गौर करें तो आप देखेंगे कि जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध लड़ा कब गया? 1757 में लड़ा गया, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ है। दरअसल मैं बोल रहा हूँ, अब मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, दरअसल प्लासी कोई युद्ध नहीं था बल्कि प्लासी एक समझौता था जो कि बंगाल के कुछ धनी लोगों ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों के साथ नवाब का सौदा कर दिया। अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो उसमें चार लोग सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक है नवाब की मौसी, जिसे आप घसीटी बेगम के नाम से जानते हैं, घसीटी बेगम के नाम से जानते हैं। दूसरा है सेनापति मीर जाफर, मीर जाफर को आप देखते हैं, और आप दीवान अमीन चंद को देखते हैं, और आप दुर्लभ राय को देखते हैं। ये चारों लोग बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इतिहास के पन्नों पे तो ये वही चार लोग हैं जो 1764 में, अगर मैं बात करूं सॉरी 1756 में जब मनिहारी का युद्ध हुआ, मनिहारी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला शौकत के बीच हुआ, तो ये सारे लोग शौकत के समर्थक थे। जब प्लासी का युद्ध हुआ, नवाब सिराजुद्दौला विजयी हुए 1757 में, तो ये सारे लोग नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए। और खिलाफ होने के बाद में हुआ क्या कि इन लोगों ने तत्कालीन गवर्नर क्लाइव को इन लोगों ने न्यौता दिया, क्लाइव ने इनके साथ डिवाइड एंड रूल के को फॉलो किया, और डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने के साथ इन सभी के साथ संधि की गई, बातचीत किया गया और यह कहा गया युद्ध में आप हमारी मदद कीजिए और हम आपको बनाएंगे बंगाल का गवर्नर। सो ऐसी लालच देने की वजह से ही आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध बहुत आसानी से जीत जाता है, ठीक है। देखिए प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, पंडिकर साहब कहते हैं कि प्लासी का तो कोई युद्ध नहीं था क्योंकि 3 से 4 घंटे में कोई युद्ध नहीं होता है, एक तरीके से साजिश ही थी जो बंगाल के कुछ धनी लोगों ने नवाब का सौदा कर दिया अंग्रेजों के हाथों में, ठीक है। सो ये चीज आप देखेंगे। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं वेदरा, तो वेदरा का वह युद्ध था जो 1759 में लड़ा गया, और इसी युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर किया और यह निर्धारण किया कि भारत में कौन आयात और निर्यात, मतलब कौन व्यापार करेगा। सेम सिचुएशन वंडीवास का युद्ध हुआ है अंग्रेजों फ्रांसीसी के साथ में 1760 में, ठीक। प्लासी का युद्ध तो हमने देख ही लिया। अच्छा, प्लासी में एक चीज और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, प्लासी क्या है बेसिकली। प्लासी की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में एक स्थान है, और यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नदी की अगर मैं बात करूँ जो कभी कभी पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में गंगा भी मिलता है और आपको ऑप्शन में भागीरथी भी मिलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम बंगाल में प्लासी है कहाँ, क्या है, किसके बीच युद्ध हुआ, कब हुआ, और
उसका परिणाम क्या रहा। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मुगल बादशाह द्वारा चुना गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कमीशन का इतना पेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कहता है कि मुगल बादशाह द्वारा चुना गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ऑप्शन है, एक है मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला और अली वर्दी खान। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है ए। देखिए सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला की मैं थोड़ी सी बात कर लूं तो अभी आपने देखा कि प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे वो सिराजुद्दौला साहब थे। ठीक, ये इनका संबंध तो प्लासी से है। ठीक, अगर मैं सुजाउद्दौला की बात करूं इस तो इसके आगे जब मैं बक्सर के युद्ध की बात करूंगा तो बक्सर के युद्ध में एक संयुक्त सेना का गठन होता है, मतलब कई सारे लोग मिल के आपस में एक संधि करते हैं, वो कौन था भी हम आगे देखेंगे। उन संधियों में एक संधि करता था अवध, और अगर मैं अवध की बात करूं तो जो अवध के नवाब थे वो थे सुजाउद्दौला। ठीक, इसके साथ ही में अली वर्दी खां, अगर मैं अली वर्दी खां की बात करूं तो इसके साथ ही में देखिए अगर इसकी मैं बात करता हूं अली वर्दी खां की। ठीक है, तो 1717 में फारूक सियार ने एक दस्तक जारी किया था अंग्रेजों को, और दस्तक फरमान ये कहता था कि अगर अंग्रेज भारत में एक कभी भी कोई आयात या निर्यात करते हैं या व्यापार करते हैं तो चुंगी पर अगर वो दस्तक फरमान को दिखा देते हैं तो दस्तक फरमान के माध्यम से वो बिना टैक्स पे किए अपना ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये 1717 में फारूक सियार द्वारा जारी किया गया था अंग्रेजों के लिए, जिसे कि दस्तक के नाम से जाना जाता है। दस्तक एक तरीके का पास माना जाता है। तो मुगल बादशाह द्वारा चुना गया अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शिद कुली खान है, ये आप ध्यान दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सही विकल्पों का चयन करें। सही विकल्पों को चयन करने में आपके पास ऑप्शन दिया जा रहा है कि प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अली नगर की संधि 1757 की में कंपनी और नवाब सिराज के मध्य हुआ। प्लासी के युद्ध के पश्चात सिराज ने 24 परगने की जमींदारी का जागीर, ये यहां थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसे आप एडिट कर लीजिएगा, ये क्लाइव को देता है। ठीक, मैं क्लाइव थोड़ा आप एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लाइव को देता है। अभी मैंने आपसे पहले बताया जब मैं प्लासी का युद्ध का जिक्र कर रहा था आपके सामने तो हमने बताया कि प्लासी मध्य पश्चिम बंगाल में नदिया या नादिया दोनों आपको मिल जाएगा कि जिले में एक स्थान है जो गंगा नदी या भागीरथी के तट पर स्थित है। इस हिसाब से तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगर मैं बात करूं कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया तो यह भी सही है। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं प्लासी के युद्ध का तो प्लासी के युद्ध के बाद आपको भी पता है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर ने क्या किया कि मीर जाफर ने यह कहा कि अगर अंग्रेज साथ देंगे वह अंग्रेजों का साथ देगा, बदले में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा और अंग्रेज इस माध्यम से युद्ध लड़े, और युद्ध लड़ने का परिणाम यह रहा कि अंग्रेज प्लासी का युद्ध विजयी हुए और विजयी होने के बाद में बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया, और मीर जाफर के बंगाल के नवाब बनने के बाद में मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सारा धन दिया, कुछ उपहार में दिए, कुछ उपहार के साथ ही साथ में कुछ भेंट दिए, कुछ अनुदान दिए, और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध का हर्जाना भी मीर जाफर के ऊपर ठोंक दिया। ठीक, हर जाने के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 37.7 लाख पाउंड हर जाने के तौर पे मीर जाफर पे लगाया गया। इसके साथ ही मीर जाफर ने 3 करोड़ मतलब एक तरीके से उपहार स्वरूप भेंट भी किया। इसके साथ ही में मीर जाफर ने 24 परगने की दीवानी भी क्लाइव को दे दी। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूं सिराज ने दिया तो ये सिराज तो गलत है, क्योंकि सिराज तो प्लासी के युद्ध में ही मारा जा चुका था।
प्लासी के बाद अगर आप देखेंगे तो उसका जो सेनापति था, सेनापति ने कहा कि हम युद्ध हार रहे हैं, और हारने के बाद जब सिराज युद्ध छोड़ के भागने लगा तो उसी दौरान सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। तो सिराजुद्दौला तो प्लासी के युद्ध में ही खत्म हो चुका है। हालांकि अगर मैं बात करूं जागीर की, तो जागीर किसने दिया है? ये दिया है मीर कासिम ने। इसी के साथ ही मीर कासिम पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, उसको लगा कि अंग्रेज उसके कार्यों में बहुत ज़्यादा बाधक डाल रहे हैं, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं अली नगर की, तो अली नगर की संधि 1757 में कंपनी और नवाब सिराज के मध्य हुआ था। ठीक, मीन्स आपका पहला ऑप्शन तो गलत है, सॉरी चौथा ऑप्शन गलत है, प्लासी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन आपके सही हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो आपका राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, आपने देखा, मैंने डिटेल भी आपको बता दिया कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया, और 24 परगने की जागीर किसने दिया था वो भी मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट था कि 24 परगने की जागीर को क्लाइव का जागीर कहा जाता था, क्लाइव का जागीर कहा जाता था। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन था। ठीक, ऑप्शन है क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड बेलेजली। अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो आपने देखा कि जो क्लाइव था, क्लाइव तो बेसिकली प्लासी में था। ठीक, अगर मैं हेक्टर मुनरो की बात करूं तो ये भाई साहब बक्सर में थे। मतलब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। अगर मैं वारेन हेस्टिंग की बात करूं तो वारेन हेस्टिंग बेसिकली जाने जाते हैं बंगाल में द्वैत शासन की जब समाप्ति होती है, तो बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति करने के लिए जिसको श्रेय जाता है वो वारेन हेस्टिंग साहब को जाता है। और वारेन हेस्टिंग इतिहास के पन्नों पे और भी इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्हीं के टाइम पे सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इन्हीं को बंगाल का पहला गवर्नर भी बनाया गया, गवर्नर भी इन्हीं को बनाया गया। इसी के साथ ही में अगर आप देखेंगे तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने, मैं बात करूं तो द्वैध शासन को समाप्त किया। द्वैध शासन क्या है हम आगे देख लेंगे। द्वैध शासन को समाप्त करके इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ करता है। ठीक, इजारेदारी प्रथा क्या है ये जब हम अपना नेक्स्ट सेशन देखेंगे। इजारेदारी के साथ ही में अगर आप देखेंगे बात करें तो इजारेदारी, या इसी के साथ में तीन कॉन्सेप्ट और आपको देखने को मिलेगा, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ये तीनों क्या है बेसिकली हम अपने नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे औद्योगिकरण का या उपनिवेशवाद का, अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद को कैसे भारत में बढ़ाया, उपनिवेशवाद के चरण कौन कौन से थे, तो जब हम उन चरणों की बात करेंगे, तो जब पहला चरण पढ़ेंगे अपना, तो पहले चरण में ही आप देखेंगे कि पहले चरण में हम बेसिकली कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। ठीक, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हम मुक्त व्यापार की बात करते हैं। मुक्त व्यापार के बाद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो बात की जाती है औद्योगिक चरणों में, वो वित्तीय सेवा चरण के माध्यम से हम देखते हैं। मतलब 1772 से लेकर के 1813 तक देखते हैं, जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो आप देखते हैं कि 1813 से भारत में जो व्यापार चल रहा है, मुक्त व्यापार को खत्म किया जाता है। हालांकि संपूर्ण तरीके से 1833 में खत्म किया जाता है। तो 1772 से लेकर 1813 तक हम एक चरण देखते हैं, 1813 से लेकर के और 1857-58 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति तक देखते हैं तो औद्योगिक चरण देखते हैं, औद्योगिक चरण के बाद में हम वित्तीय सेवा चरण देखते हैं। तो जब हम इन चरणों पर चर्चा करेंगे हम वहां पर देख लेंगे कि ये क्या होती है। लेकिन इसी के साथ मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि इजारेदारी जो प्रथा थी ये जब वारेन हेस्टिंग था,
वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ये एक वर्षीय था, एक वर्षीय था। इसके बाद जब क्लाइव आता है तो इसको 5 वर्ष के लिए कर देता है, और इसी के बाद में जब कार्नवालिस आता है तो इसको बढ़ा के 10 वर्ष के लिए कर देता है, और यहीं से जाना जाता है आपका अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त या इसी को जमींदारी प्रथा भी कही जाती है। ठीक, ये चीजें हम बाद में देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पे। यहां पे जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि बक्सर का युद्ध का सेनापति कौन था, तो हमने आपको बताया कि हेक्टर मुनरो था। लॉर्ड वेलेजली पे भी जब हम आगे अपने वायसराय पे चर्चा करेंगे तो उन्हें भी हम वहां देख लेंगे। हालांकि मैंने काफी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में क्लियर कर दी हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं एक बार बक्सर के युद्ध की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जब बक्सर के युद्ध की बात हो रही है तो बक्सर पे थोड़ा गौर करते हैं। जो बक्सर का युद्ध है ये लड़ा गया, कहीं कहीं पे आपको 22 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 23 मिलेगा, ऑप्शन के हिसाब से आप एग्जाम में देख लीजिएगा। ये जो लड़ा गया, ये लड़ा गया था 1764 में। ठीक, अगर मैं बात करूं में तो लड़ा गया, बट किसके बीच लड़ा गया ये भी आप देख लीजिए। जहां एक तरफ भाई साहब है हेक्टर मुनरो, वहीं दूसरी तरफ है तीन लोग, कौन कौन? एक है मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय। ठीक, एक है अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और एक खुद है मीर बंगाल नवाब। अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए अगर मैं बंगाल नवाब की बात करूं तो मीर कासिम साहब बंगाल के नवाब थे। अच्छा लिखा नहीं मैंने, मीर कासिम। ठीक, एक तरफ जहां हेक्टर मुनरो भाई साहब थे, वहीं दूसरी तरफ तीन सेनाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा, और परिणाम ये रहा कि ये तीनों हारे, ये तीनों मिलकर एक साथ हारे, और हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का विजयी हो रहता है। ठीक, बक्सर के युद्ध का विजयी रहता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि युद्ध जीता किसने, आपके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये युद्ध हुआ कब, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके परिणाम क्या रहे, और परिणाम के साथ ही में संधियां कौन सी हुई। अगर मैं संधियों की बात करूं तो इसमें दो तरीके की संधि हुई। एक हुई है इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि की मैं बात करूं तो इलाहाबाद संधि के तहत अगर मैं बात करूं तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली गई, और इसके बदले में उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की गई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या किया गया कि अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा छीन करके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ठीक, ये किया गया अवध के नवाब के साथ। ठीक, यहां पे मैं लिख देता हूं अवध। ठीक, इलाहाबाद में क्या किया गया कि बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दिया गया शाह आलम को, ले लिया गया कंपनी ने। ठीक, बदले में कंपनी ने क्या कहा कि 26 लाख रुपए पेंशन वार्षिक दिया जाएगा, किसको? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। और अवध के नवाब के साथ क्या किया गया, अवध के नवाब के साथ यह किया गया कि इनसे इलाहाबाद और कड़ा लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। युद्ध खर्जाना के तौर पर इनमें 50 लाख रुपए का युद्ध खर्जाना लगाया गया, 25 लाख रुपए तत्काल और 25 लाख रुपए रियायत के तौर पर बाद में देने के लिए कहा गया। इसके साथ ही साथ में अगर मैं इलाहाबाद करूं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की, तो इनको दीवानी तो वसूले ली गई लेकिन निजामत के प्रशासन या सैन्य खर्चों के लिए 57 लाख रुपए वार्षिक देने का भी समझौता किया गया।
तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा बक्सर के युद्ध के संबंध में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए स्क्रीनशॉट लेने पे पढ़ नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी स्क्रीनशॉट अगर कभी ले लूँ टाइम नहीं मिलता उनको एक बार रिकॉल करने का। अच्छा होगा कि आप इन्हें पॉइंट वाइज नोट करते चलें, जैसा कि मैंने नोट करके आपको बताया है, आप भी इसे नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हालांकि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि बक्सर के युद्ध का परिणाम पर विचार करें, ठीक है, इस पे तो विचार क्या करना मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। अवध के नवाब से कड़ा और मणिपुर लेकर के मुगल सम्राट को दे दिया गया, ठीक है। मुगल सम्राट ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी और बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने पे समझौता किया, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, पहला सही दूसरा गलत, ये गलत है, बी सही पहला गलत, ये भी गलत है, दोनों सही, तो ये आपका सही ऑप्शन है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बक्सर के युद्ध के परिणाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी संधि किया गया और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला से भी संधि किया गया, ठीक। इतने क्वेश्चंस थे आपके सामने। अगर मैं एक क्वेश्चन और आपकी बात करूं तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, क्लाइव को, लियोनिस कर्टिस को, हेक्टर मुनरो को या वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। मैं सीधा ऑप्शन पे जा रहा हूं, इसका ऑप्शन है बी, लियोनिस कर्टिस को, ठीक। लेकिन यहां पे द्वैत शासन का जनक तो लियोनिस कर्टिस को माना जाता है, लेकिन बंगाल में द्वैत शासन को लागू करने वाला जो शासक था वो था आपका क्लाइव। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को इंप्लीमेंट किया था बंगाल में, ठीक। देखिए अब जब द्वैत शासन वर्ड आया ही है तो एक बार हम द्वैत शासन का चर्चा भी कर लें कि क्या है द्वैत शासन। अगर मैं द्वैत शासन की बात करूं तो सीधा सा मतलब है दोहरा शासन या दो प्रकार का शासन, ठीक। अगर बंगाल पे आप नजर डालेंगे तो एक होता है दीवानी और एक होता है निजामत, एक है निजामत, एक है दीवानी और एक है निजामत। निजामत, दीवानी का मतलब है टैक्स कलेक्शन, टैक्स, टैक्स कलेक्शन, और निजामत का मतलब है सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रशासन, सैन्य, सैन्य प्रशासन। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि बक्सर युद्ध के बाद में आप देखेंगे तो शाह आलम द्वितीय से बंगाल की दीवानी तो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली, लेकिन उसका जो सैन्य प्रशासन था वो रख दिया उन्हीं के पास में, यानी उन्हीं के पास में ये कहा गया कि दीवानी तो हम ले रहे हैं, टैक्स कलेक्शन का काम तो हम करेंगे, लेकिन बेसिकली कि आपका काम क्या होगा कि आपका काम इतना सा है कि वहां का सैन्य प्रशासन व्यवस्था की देखरेख आप करेंगे, ठीक। इस तरीके से माना जाता है कि बंगाल में दोहरे शासन का जन्म होता है, मतलब दोनों काम अलग अलग हो गया, ठीक। और दोहरा शासन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने अपनी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश की है ना, तो इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं निजामत की, तो निजामत रहा मुगल सम्राट के पास और निजामत के बदले ही कहा गया था कि हम आपको 57 लाख रुपए वार्षिक के तौर पर देंगे खर्चों के लिए, ठीक है। अगर आपकी मैं बात करूं द्वैत शासन की, तो द्वैत शासन जो चलता रहा ये 1764 से लेकर के और 1772, कब तक, 1772 तक। वही अभी मैंने आपसे कहा ना कि जब वारेन हेस्टिंग आता है तो वो द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। देखिए द्वैत शासन के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्होंने यहीं के लोगों से टैक्स कलेक्शन का काम किया। देखिए आपको भी पता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो सिर्फ ये वहाँ के प्रशासन को लेकर आए थे, मतलब इनका टॉप लीडर आता था, बाकी यहाँ पे जितने भी कामकाज होते थे उनको कराने का काम यहीं के स्थानीय लोगों से किया जाता था, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों को समझते थे, ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, एक है मोहम्मद रजा खान और एक है सिताब राय। अगर मैं मोहम्मद रजा खान और सिताब राय की बात करूं, मैं एक बार नोट कर देता हूं, मोहम्मद रजा खान और दूसरे हैं सिताब राय,
राजा सिताब राय, ठीक। ये ऐसे दो शख्स हैं जिन्होंने बंगाल को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक। यही वो दो लोग हैं जो अंग्रेजों के लिए दीवानी का कार्य देख रहे थे बंगाल में द्वैत शासन के माध्यम से। और द्वैत शासन में ऐसा माना जाता है कि दोनों का काम, दीवानी और निजामत, अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया। अपने हाथ में लेने के बाद में क्या किया कि भले ही प्रशासन तो अपने हाथ में रखा ओरिजिनल तौर पे, लेकिन उसको देख रेख का काम अभी भी मुगल सम्राट शाह आलम के ही पास था। हालांकि अगर जब किसी के पास टैक्स रेवेन्यू नहीं होगा, मतलब उनके पास कर नहीं होगा, कर से आय नहीं होगी, तो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां कोई भी राज्य बेहतर या सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं होगा, ठीक है, ये आपको भी पता है। तो इसके माध्यम से बंगाल धीरे धीरे बहुत ही कमजोर होने लगा। और 1765 के बाद अगर आप देखेंगे तो जब द्वैत शासन लागू हुआ तो ये कंटिन्यू चलता रहा 1772 तक, ठीक। बेसिकली कहा जाता है कि जब वारेन हेस्टिंग आता है तो वारेन हेस्टिंग देखता है कि द्वैत शासन के माध्यम से जो अंग्रेजी कर्मचारी हैं वो व्यक्तिगत रूप से लाभ कमाने में लगे हुए हैं, इससे कंपनी का फायदा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक। तो जब वारेन हेस्टिंग आता है तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बहुत सारे नए रूल इम्प्लीमेंट करता है। एक बार हम चर्चा कर लेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली कि क्या है, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कि द्वैत शासन कब से कब तक लागू रहा, 1765 से लेकर के 1772 तक द्वैत शासन को लगाने का काम तो वो क्लाइव को माना जाता है इंडिया में, बंगाल में, और इसको समाप्त करने का काम जो माना जाता है वो वारेन हेस्टिंग साहब को माना जाता है, वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इतने क्वेश्चंस आपके सामने थे, ठीक। इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे, ये सीरीज मॉडर्न है, मैं एक एक स्टेप वाइज यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो भारत में औपनिवेशिक गतिविधियों के माध्यम से भारत में कौन कौन से परिवर्तन हुए उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो क्लासेस आपने अभी नहीं देखी आप उन्हें भी देख लें। और आपसे एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ के माध्यम से भी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।